ऐसी कोई बात नहीं करनी चाहिए। आज जो देश की भावना है उसको बदलना चाहिए और ये कोई राजनीतिक बात नहीं है, देश की एकता और अखंडता की बात है और सारे पूरे देश में सब लोगों की भावना है। सेना से सब एक रूप है और अपनी सेना ने जो काम किया है उसके प्रति जो पूरे देश के लोगों के मन में उनके प्रति और सम्मान का भाव बढ़ा है उस चीज को समझना चाहिए और केंद्र की सरकार ने जो इसके लिए जरूरी कदम उठाना है वो सब कदम। नीतीश कुमार जी ने ठीक कहा है कि जिस प्रकार से पुलवामा की घटना हुई और पुलवामा की घटना में हमारे 42 सैनिकों की शहादत हुई, उसके बाद एयर स्ट्राइक के माध्यम से उसका बदला लिया गया, आतंकवादियों के अड्डे को ध्वस्त किया गया, उसमें आतंकवादियों को हताहत किया गया और पाकिस्तान स्वयं इस बात को उसके सबूत मिटाने का काम किया है और आज विपक्ष के लोग उसको सबूत मांग रहे हैं, तो कहीं ना कहीं देश के अंदर में बैठकर पाकिस्तान की भाषा और पाकिस्तान परस्त लोग जो है से बोल रहे हैं। अब एक तरफ जहां पाकिस्तान उस सबूतों को मिटाने का काम कर रहे हैं, दूसरी तरफ यहां बैठे लोग उसका सबूत मांग रहे हैं, तो दोनों की बातें मिलती जुलती है। इससे कहीं ना कहीं हमारे सैनिकों को ठेस पहुंचता है, उनके मनोबल को गिराने का काम किया जाता है, जो दिन रात मेहनत कर 24 घंटे अपने जान को जोखिम में डालकर और हमारे सीमाओं की सुरक्षा करते हैं, उनके ऊपर सवाल उठा कर कर करके कहीं ना कहीं ये देश के को आंतरिक सुरक्षा को खतरे में पहुंचाने का काम कर रहे हैं। देखिए, सिर्फ नीतीश कुमार जी का बयान नहीं है बल्कि भाजपा के सभी नेता, अब केवल उनके पास कोई जवाब नहीं है इस बात का, इसी तरह का बयान दे रहे हैं। सच तो यह है कि देश पर किसी भी तरह के इस तरह के हमले की निंदा तमाम विपक्ष ने किया है। तमाम विपक्ष ने सरकार को इम्पावर कर दिया है कि सरकार जो उचित कार्रवाई समझे करे। इतना ज़्यादा यूनानिमस राय विपक्ष की ओर से सरकार को दिया गया है तो सरकार को अब इस पर किसी तरह का विपक्ष पर आरोप लगाने की आवश्यकता नहीं थी। लेकिन बहुत सारी बातें बताने से बचने के लिए अब लोग सेना की बात कर रहे हैं या सेना के अपमान की बात कर रहे हैं। सेना तो देश का रक्षक है, सर आंखों पर है, चाहे सत्ताधर हो चाहे विपक्ष हो। राजनीति तो वो लोग कर रहे हैं जो कार्रवाई के बाद ही तुरंत अपने पार्लियामेंट सीटों को बढ़ता हुआ देख रहे हैं। इस घटना के तुरंत बाद येदियुरप्पा ने कहा कि अब कर इसके घटना के कारण 28 में से 22 सीट जीत जाएंगे, यानी कि सेना के शहादत पर ये सीटों की संख्या बढ़ा रहे हैं। उस पर सेना को अफसोस नहीं होगा, लेकिन कार्रवाई की चिंता क्या हुई, क्या उसका फलाफल हुआ, ये बात भी जानने का जनता को और देश को हक है। अगर उस हक से वंचित केवल भावनाओं में बहका करके लोग करना चाहते हैं देश की जनता को, तो आज न कल इसका सच तो सामने आ ही जाएगा।